आउ नाहांती सुरज साम्राके लता मंगेशकर मुंबई एक घर हस्पिटाल आज सका 8:12 से शेष निश्वास त्याग कर मृत्यु बेल को 92 वर्ष होता 1929 सेप्टेम्बर 28 तारीख से इंदोर में जन्म होते लता मंगेशकर लता उभय हिंदी और मराठी गीत गाते से 1000 अधिक हिंदी फिल्म रे गीत गाई हिंदी और मराठी व्यतीत अन्य भारतीय भाषा भी से गीत गाई आज एक दुखदायक खबर आसुच्छे मुंबई एक घर हस्पिटाल शेष निश्वास त्याग कर लता मंगेशकर तेरे मृत्यु बेल को 92 वर्ष होता आज ठीक सका 8:12 एक दुखदायक खबर आसला और शेष निश्वास त्याग कर खबर सामना को आसला तेरे मृत्यु बेल को 92 वर्ष होता जहाँ स्पष्ट सूचना रही 1928 सेप्टेम्बर 28 तारीख से इंदोर में जन्म होते लता मंगेशकर लता उभय हिंदी और मराठी गीत गाते से प्राय 1000 अधिक हिंदी फिल्म रे गीत गाई हिंदी और मराठी व्यतीत अन्य भारतीय भाषा भी से गीत गाई से तो से बेस परिचित आज समस्त हृदय आज समस्त मनरे प्रति भारतीय मनरे से आज अच्छा एक दुखदायक खबर आसुच्छे समस्त प्रति पूरा विश्ववासी एक दुखदायक खबर आसी पहुँचुची जे आउ नाहांती आम गहन लता मंगेशकर मुंबई एक घर हस्पिटाल आज सका 8:12 से शेष निश्वास त्याग कर मृत्यु बेल को 92 वर्ष होता 1928 सेप्टेम्बर 28 तारीख से इंदोर में जन्म होते लता मंगेशकर बापा ना था दीननाथ मंगेशकर और माँ का ना था सेवंती दीननाथ मंगेशकर जड़े गायक और थिएटर अभिनेता थे जन्म बेले लता ना था हेमा पर बापा माँ ना लता रखी थे दीननाथ एक नाटक एक महिला चरित्र लतिका आधार में ना दि जाता लता थिले बापा ज्येष्ठ संतान मीना खड़िकर आशा भोसले उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर होती लता भौणी और भाई आउ एमाने समस्ते गायक संगीत शिक्षा रे लता प्रथम गुरु थिले बापा से कथा कहिपा शिखिबा परे बापा गीत शिखाई मात्र 5 वर्ष बयस लता मंगेशकर बापा एक मराठी गीतिनाट्य अभिनय करते लता जिते बड़े मात्र 13 वर्ष होता सेत दीननाथ मंगेशकर परलोक हो जाता ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी रही दिल्ली आम रिपोर्टर गगन विश्वास जोड़ी रही फोन लाइन जोड़ी रही गगन वर्तमान एक दुखदायक खबर आसुची समस्त ये हूँ मर्माहित कला भली खबर देखो निश्चित भाव भारत बर्तमान स्तब्ध हो जाइए कहीं स्वर साम्राज्य बोली कह जाए भारत कोकिल कंठी बोली संबोधन कराए अनेक गुड़िए जमी आप कहते प्रतिभा केवल भारत में सीमित ना विदेश में ख्याति अर्जन कर सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ विषय जी आप कहे जो रॉयल अल्बर्ट हॉल रही लंडन After more than 28 days of hospitalization post her COVID, आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है. वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं. उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस. डॉक्टर